गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और रीजनिंग की सीरीज में हमारा चल रहा था डायरेक्शन। डायरेक्शन का आज लास्ट पार्ट है, दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। और जो जो लास्ट पार्ट है, अब ये लास्ट पार्ट पढ़ाने के बाद में ख़त्म। हमने आपको चार प्रकार की कंडीशंस बताई थी, जिसमें आप जानते होंगे कि व्यक्ति का फेस किस तरफ होगा, एंगल बनेगा तब हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे, अगर हमें लास्ट डायरेक्शन दी है तो फर्स्ट डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे हमने आपको क्वेश्चन बताए। और अब जो लास्ट जो हमारे एक दो और जो टाइप बचे हैं उनको भी मैं बता के इस टॉपिक को इसी लेक्चर में कम्प्लीट करता हूँ। तो बिना किसी देरी किए हम लोग चलते हैं, अब हम पढ़ाते हैं टाइप फाइव। तो टाइप फाइव जो संबंधित है वो संबंधित है डायरेक्शन चेंज से। किससे? डायरेक्शन चेंज से। डी डायरेक्शन चेंज क्या है? तो डायरेक्शन चेंज से हमारा मतलब ये है कि अगर जैसे हम कहें कि मैंने उत्तर, अगर हम उत्तर को पूरब कह दें, मतलब है उत्तर में लेकिन हम उसको कह कह दें पूरब, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, वो कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर, को उत्तर, उत्तर पूर्व को पश्चिम और इसी प्रकार आगे। दक्षिण पूर्व मैं साउथ में लिखता हूँ, साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट को बोल रहा है नॉर्थ, ओके। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को बोल रहा है वेस्ट, और आगे इसी प्रकार आगे बताना है। तो फिर आगे कह रहा है तो बताओ वेस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो बताओ वेस्ट को क्या लिखा जाएगा, पश्चिम को क्या लिखा जाएगा, पश्चिम को क्या लिखा जाएगा बताना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये जो सेगमेंट चल रहा है तो उसने किस आधार से किसको क्या लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही अपना बनाएंगे जाके डायरेक्शन। तो ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। क्वेश्चन कह रहा है उसने साउथ ईस्ट को चेंज कर दिया है नॉर्थ में। साउथ ईस्ट कहाँ है? साउथ ईस्ट ये है। साउथ ईस्ट को क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है नॉर्थ, यही तो बोल रहा है। साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट है ये, साउथ ईस्ट को बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? नॉर्थ बोल रहा है। तो कितने डिग्री ऊपर चला गया है? तो यहाँ से आप देखिए वो 135 डिग्री क्या चला गया है, एंटी क्लॉकवाइज गया है कि नहीं गया है? जब वो इतनी एंटी क्लॉकवाइज गया है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तभी तो उसने साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला है, मतलब साउथ ईस्ट को उसने नॉर्थ बोल दिया। फिर आगे अगर बात इसी करें तो ये भी सेम ऐसे ही होगा। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल, नॉर्थ ईस्ट को बोला है वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है, बोला क्या है वेस्ट। तो अगर यहाँ से इतना तय करके आएंगे तो ये भी तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मतलब मेरा कहने का ये हो जाता है कि जो पहले वाला जो कोण बोला कि साउथ ईस्ट को उसने नॉर्थ कर दिया है, साउथ ईस्ट था तो उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे ये उठा के क्या किया जाता है, ऐसे क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, मतलब घुमा दिया जाता है। भाई ऐसे हम उठाएंगे यहाँ से, मूव करेंगे तो ये जो है साउथ ईस्ट तभी तो मेरा नॉर्थ में जाएगा। तो हम कितना इसको घुमा देंगे, कितना रोटेट कराएंगे, 135 डिग्री हम क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। तो ऐसे ही जब हम अपना आंसर लिखेंगे, जस्ट उसको जितना हमने इसको रोटेट कराया है उतना हम इसको रोटेट करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक। तो वेस्ट है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दो, रोटेट करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रोटेट कराओ, वेस्ट कहाँ है, ये है। अगर इसको 135 डिग्री हम रोटेट करा दें कहाँ पे पहुँच जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे पहुँच जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए हम वेस्ट को क्या लिख देंगे, नॉर्थ ईस्ट लिख देंगे। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको और डिफाइन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक मिनट, चलो इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बस आप इस जगह से ध्यान से देखिएगा कि अरे चेंज करने का मतलब समझ रहे हैं, चेंज करने का मतलब क्या है। चेंज करने का ये मतलब है कि वेस्ट जो जिसे पूरब दिशा है वो पूरब दिशा ही होती है, लेकिन सवालों में ये कह रहा है कि हमने पूरब दिशा को क्या मान लिया, तो हमने पूरब दिशा को मान लिया है नॉर्थ ईस्ट, मतलब हम इस दिशाओं को चेंज कर रहे हैं। जैसे फिर से देखो,
देखो तो अगर हम कहते हैं कि हमने ईस्ट को चेंज करके क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, जब ईस्ट को चेंज करोगे तो करोगे क्या, इसको ऐसे उठा के इसे घुमाओगे, जब घुमाओगे तो ईस्ट यहाँ आएगा तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, और नॉर्थ यहाँ आएगा तो वेस्ट यहाँ और साउथ यहाँ, मतलब कहने का चेंज ये करना है। तो ये देखना होता है कि हमने चेंज कितना किया, तो हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तभी तो ईस्ट को नॉर्थ कह पाओगे, ईस्ट को तभी तो नॉर्थ में चेंज कर पाओगे भाई। अब ईस्ट को नॉर्थ में चेंज कर तो घुमा के लाना पड़ेगा तभी तो ईस्ट नॉर्थ बन पाएगा। तो ऐसे ही ये आपको देखना है कि आपको कितनी डिग्री क्या करना है, रोटेट करना है। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगले क्वेश्चन में और जरा फोकस करिए और गौर से समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अगर उत्तर को उत्तर पूर्व, मतलब अगर नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट बोला जाए, क्या बोला जाए, नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट बोला जाए या हम बना दें नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट, तो हम साउथ को क्या बोलेंगे, कह रहा है तो हम साउथ को क्या लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये देखना है कि अगर नॉर्थ को भैया नॉर्थ ईस्ट अगर बनाया जाएगा तो हमें आप एक बात बताइए उसको कितना जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट ये होता है आप जानते हैं, तो जब नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाएगा तो कितना घूमेगा, तो वो जाएगा 45 डिग्री क्लॉक वाइज, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बस आपको यहां से एंगल चेक कर लेना है, आप एंगल यहीं से जान जाएंगे क्योंकि आपको ये चीजें आती हैं, जब आपको पता चल गया तो बस कुछ नहीं करना है, सेम उसको ही उतने ही डिग्री क्लॉक वाइज अगर घूम रहा है तो क्लॉक वाइज घुमाइए, अगर एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। इतने डिग्री साउथ को 90 डिग्री क्लॉक वाइज क्या कर दो, रोटेट कर दो, तो रोटेट करो साउथ 45 डिग्री क्या कर दो, क्लॉक वाइज रोटेट कर दो, तो कहाँ पे आ जाएगा क्लॉक वाइज रोटेट होके, तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आंसर क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, डिस्कस करा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को कहते हैं डायरेक्शन चेंज, क्या कहते हैं, डायरेक्शन चेंज। चलो अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट को बोलते हैं साउथ वेस्ट, क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो कह रहा है तो दक्षिण दिशा को क्या बोलेंगे, तो साउथ दिशा को क्या बोलेंगे, बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ होता है, तो साउथ ईस्ट ये क्या है, ये साउथ ईस्ट, तो कह रहा है अगर साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलते हैं तो बताओ कितना घूमेगा, तो ये घूमेगा 90 डिग्री क्लॉक वाइज, घूमेगा क्लॉक वाइज भाई, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाने के लिए आप कितना रोटेट करोगे, तो आप रोटेट करोगे 90 डिग्री क्लॉक वाइज, तभी तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन पाएगा भाई। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा मैप को पूरा रोटेट करना पड़ता है, रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया, कितना रोटेट किया 90 डिग्री क्लॉक वाइज, तो जो आपसे पूछ रहा है बस उसको भी क्या करना है, इसको भी 90 डिग्री क्लॉक वाइज क्या कर दो, रोटेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जब साउथ को 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करोगे तो बताओ क्या आएगा, साउथ ये है, इसको जब 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, तो साउथ को क्या बोलेंगे, साउथ को बोलेंगे वेस्ट या पश्चिम। बात समझ में आ गई होगी अब तक, ये इस इन क्वेश्चन में आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ बन गई होगी कि इन क्वेश्चंस को मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसी टाइप का अगला एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, देखिए देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर नॉर्थ को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, कह रहा अगर नॉर्थ को किस में चेंज कर दें, हम साउथ में चेंज करते हैं, तो नॉर्थ को चेंज करें साउथ को, तो नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को किस में चेंज करोगे, मतलब या क्या बोलोगे, तो आप जानते हो अगर आपको नॉर्थ को अगर साउथ में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पहली बात तो अपोजिट होता है तो यह 180 क्लॉक वाइज क्या करोगे, रोटेट कर दोगे। सबसे पहली बात तो अपोजिट होता है, अगर अपोजिट होता है, अगर नॉर्थ का अपोजिट अगर साउथ है तो जस्ट इसका अपोजिट लिख दोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको करना है तो नॉर्थ ईस्ट यही तो है, नॉर्थ ईस्ट यही है, तो इसका क्या करो, या तो अपोजिट लिख लो, अगर घुमाओगे भी तो 180 डिग्री यहीं पे तो घूम के आएगा, तो क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। बात समझ में आई, तो ये जब ऐसे क्वेश्चन जब अपोजिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब जब इसका अपोजिट लिखा होता है, तो
आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जिसका अपोजिट लिखो। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। और ईस्ट का अपोजिट? वेस्ट। वही आया आंसर, साउथ वेस्ट, वो भी आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी टाइप के क्वेश्चन, अब आपसे अभी कह रहा था कि आप चेंज कर दीजिए दिशा, लेकिन अब आपको करनी वही दिशा चेंज है, लेकिन अब आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपसे क्वेश्चन दूसरी भाषा में पूछेगा और आपको उसमें जान, मतलब आपको खुद ही समझ जाना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन चेंज कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी में तीन बजे हैं। तीन कैसे बजते हैं? तीन को जिस प्रकार से बजते हैं, बजते हैं कि नहीं बजते हैं? तो इनके दोनों के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। जब तीन बजते हैं तो तीन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। या घंटे वाली सुई कहाँ होती है? पूरब में होती है। और मिनट वाली सुई उत्तर में होती है। ये चीज तो आप जानते हैं ना, ठीक। कह रहा है कि उसमें होती है, लेकिन कह रहा है तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, लेकिन मिनट की सुई है कहाँ? मिनट की सुई है कहाँ? उत्तर पूर्व में। बात समझ में आई कि नहीं आई है? होनी चाहिए थी यहाँ, होनी चाहिए थी नॉर्थ में, लेकिन वो है कहाँ? लेकिन वो है नॉर्थ ईस्ट में है। तो कह रहा है कि बताओ घंटे की सुई कहाँ होगी? तो एक बात बताओ कि पहले जो मिनट की सुई है उसको होना चाहिए था नॉर्थ में, लेकिन वो है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि तीन बजा है तो वाकई में मेरी सुई होनी चाहिए थी जो मिनट वाली है वो होनी चाहिए थी कहाँ? साउथ, नॉर्थ में। और घंटे वाली कहाँ होनी चाहिए थी? ईस्ट में। लेकिन कह रहा है कि जो मिनट की सुई है उत्तर पूर्व, मतलब कितना घूम गई है बताइए, कितना घूमी है? तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है कि नहीं घूमी है? जब घूमी है तो कह रहा है घंटे की सुई कहाँ होगी, तो बताइए। तो अगर हम क्वेश्चन लिखें तो हम क्वेश्चन मेरा ये हो जाएगा कि नॉर्थ को बोल दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, तो बताइए ईस्ट को क्या बोला जाएगा? तो मैंने यहां से क्वेश्चन पहचाना कैसे? मैंने यहां पे क्वेश्चन पहचाना कि होना चाहिए था नॉर्थ में लेकिन है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ को लिख दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट को क्या लिखा जाएगा? मतलब घंटे वाली सुई थी ईस्ट में, तो अब घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो ईस्ट को कहाँ लिखा जाएगा? तो मैंने कहा इसमें रोटेट किया गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जस्ट इसमें भी रोटेट कर दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट में है, ईस्ट में है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या करोगे? अगर रोटेट करोगे तो आ जाएगी साउथ ईस्ट में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? साउथ ईस्ट। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। ये आपको टाइम देके आएगा और आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पहचानना होगा। अगर बात कर लेते हैं कि चलो एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन खत्म करके हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पहचान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हमें क्या करना है। कह रहा है एक घड़ी में 9 बजे हैं, 9 कैसे बजते हैं? 9 कुछ इस टाइप से बजते हैं, जब 9 बजते हैं तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होती है? वेस्ट पे होती है। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है? नॉर्थ में होती है। बात समझ में आई? क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है लेकिन जो घंटे वाली सुई है ना वो है दक्षिण पश्चिम पे। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम, मतलब यहाँ पे है। होनी चाहिए थी यहाँ लेकिन है कहाँ? यहाँ। तो मुझे बताओ ये कितने डिग्री अपनी इधर उधर है? तो ये आप कहोगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है कि नहीं घूमी है, बताओ एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? 45 डिग्री होना चाहिए था वेस्ट में लेकिन है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट यहीं तो होता है, यहाँ पे है। तो कह रहा है बताओ मिनट वाली कहाँ होगी, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री, जब ये घूमे तो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन की बात करें तो ईस्ट को अगर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे बताओ? तो नॉर्थ को लिखेंगे, क्योंकि 45 डिग्री क्या करना है हमें? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देना है, तो इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। यही हमारा क्या है? आंसर है। बात समझ में आ गई? बहुत ही सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको बताए। और अब हम क्या करेंगे, अपने अगले टाइप में जाएंगे, टाइप नंबर 6। जो टाइप नंबर 6 है भैया, ये कैसा है इसके बारे में जरा सा थोड़ा जानकारी दे देते हैं। जो हमारा टाइप 6 है ये क्या है? ये है हमारा, मतलब अब अगर डायरेक्शन उठ जाए, मतलब कैसा, जैसे एक व्यक्ति अगर योग कर रहा है तो अगर योग करते हुए उसका अगर क्या हो जाए, अभी तक ग्राउंड में हमारे क्या रहते हैं? पैर रहते हैं। और ऊपर हमारा क्या रहता है?
सर रहता है, मतलब कोई आदमी अगर स्ट्रेट खड़ा है तो डायरेक्शन कैसी होती है, और कोई अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो डायरेक्शन कैसी होती है, उसके आधार पर यह क्वेश्चन है, उसके आधार पर यह कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, छोटा है लेकिन अच्छा है, अगर पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, इसलिए बताते हैं। पहला सवाल, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसके सर नीचे पर था, ठीक है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, मुंह कहाँ है उसका, वेस्ट की तरफ, कहाँ पे है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बताते हैं, अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है तो उसका जो मुंह होता है वो सामने होता है, तो अगर हम उसके मुंह की दिशा बताएंगे तो उसके मुंह की दिशा क्या होगी, सेम होगी, जो हमने दिशा बताई वही आएगी। लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो आपको क्या करनी है, उसका मुंह जिस दिशा में, आपको उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लेकर के उसका क्या करना है, आंसर निकालना है। तो कह रहा है कि मुंह कहाँ है उसका, भाई हाथों की दिशा तो बदलेगी नहीं, अगर आप उल्टे भी खड़े हो जाएंगे तो हाथों की दिशा नहीं बदलती है, लेकिन अगर आप उल्टा खड़े हो जाते हैं तो आपका मुंह अगर ईस्ट में होना चाहिए तो वो उल्टा बताएगा, वेस्ट बताएगा, मतलब आपका मुंह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन हाथों की दिशा नहीं बदलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ईस्ट दिया जाए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेस्ट दिया जाए, इसका अपोजिट होता है ईस्ट, तो ईस्ट मानकर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लेफ्ट हैंड पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड के लिए हमने बताया था कि अगर कभी लेफ्ट पूछा जाए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, तो कुछ नहीं करना है, ईस्ट लिखा है तो ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चले जाओ, एंटी क्लॉक वाइज जाओ, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाओ ईस्ट का, बताओ क्या हो जाएगा, ईस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो उसका जो दायां हाथ है वो कहां पे होगा, उसका दायां हाथ नॉर्थ पे होगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सरल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है तो उसका मुंह जिस डायरेक्शन में होगा बताया जाएगा, उसी डायरेक्शन को लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा है, उसका जो सर है वो जमीन पर है और पैर अगर उसके ऊपर है, उल्टा खड़ा है, तो अगर मुंह की डायरेक्शन बताएगी ये ईस्ट, तो आप जस्ट उसका अपोजिट लगा के वेस्ट करके आप आंसर देंगे, वेस्ट जैसे कर लेंगे, बस सीधा सा क्वेश्चन हो गया कि लेफ्ट है, लेफ्ट को बताया था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेम लगाना है, अगर ईस्ट है, अगर राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज लगाना है। बात समझ में आ गई, चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी कॉन्सेप्ट पे, अगला क्वेश्चन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये उसकी क्या है, एक ट्रिक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन वाकई में होते नहीं, अगर आपको ट्रिक पता है तो। अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है, उसका सर है जमीन पर है और पैर कैसे हैं, ऊपर है, यदि उसका जो मुंह है वो कैसा है, अगर उसका मुंह साउथ में है तो उसका जो चेहरा है कहां पे है भैया, साउथ पे है, उल्टा खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो कह रहा है कि उसका राइट हैंड बताओ किस दिशा में होगा, राइट हैंड पूछ रहा है किस दिशा में होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने कहा अगर वो उल्टा खड़ा होगा जो डायरेक्शन दी जाएगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन लेकर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ की, नॉर्थ हो जाएगी, नॉर्थ हो गई, अब क्या करो, नॉर्थ लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। राइट हैंड मैंने कहा है, राइट हैंड होता है 90 डिग्री क्लॉक वाइज बोला था, नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करा दो, कहाँ पे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ईस्ट पे, कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट में, तो उसका जो राइट हैंड है वो कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा, ईस्ट आपका सही आंसर है। बात समझ में आ गई, इसी कॉन्सेप्ट का जरा सा तीसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं उसमें क्या कुछ कमाल होता है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन अब तक आपको जो भी डाउट थे वो सब डाउट आपको अब तक क्लियर हो गए होंगे, जितने भी डाउट थे अभी तक आपको, जो भी नहीं आता था, जितने भी डाउट थे सब डाउट अब खत्म हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब एक व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका सर नीचे व पैर ऊपर की ओर है, यदि चेहरा साउथ ईस्ट में है, चेहरा कहाँ है, चेहरा कहाँ है, चेहरा है साउथ ईस्ट, अगर उसका चेहरा साउथ ईस्ट में है तो कह रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ है, क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड। मैंने बार बार कहा उल्टा खड़ा है, जस्ट अपोजिट लो, तो अपोजिट कैसे करोगे, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। बात समझ में आई, लेफ्ट हैंड क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घुमा दो,
नॉर्थ ईस्ट को क्या कर दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होता है यार, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो यहाँ पे आएगा, तो क्या आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, बात समझ में आ गई, तो उसका चेहरा होगा नॉर्थ ईस्ट में होगा, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आपके 7 नंबर टाइप में, जो अगला जो टाइप है वो है बहुत बेहतरीन टाइप है। अब देखो जो अगला टाइप है वो संबंधित है शैडो से, परछाई जानते हैं आप, परछाई जो बनती है जैसे, और परछाई जो हमेशा होती है, जो शैडो होती है वो कहाँ बनती है, हमेशा हमारे अपोजिट में बनती है, शैडो शैडो संबंधित है। जैसे अगर हम अगर सूर्य पूर्व में है तो मेरी परछाई पश्चिम में बनेगी, अगर सूर्य पश्चिम में है तो मेरी परछाई पूर्व बनेगी। यहां पे दो टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे, मॉर्निंग सुबह और शाम इवनिंग, दो टाइप कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो जब भी मॉर्निंग आएगा तो हमेशा समझ लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में सूर्य होता है पूर्व में तो परछाई बनती है पश्चिम में, अगर इवनिंग हो तो आप समझ जाइएगा कि सूर्य होता है पश्चिम में तो परछाई बनती है कहां पे, तो परछाई हमेशा बनती है पश्चिम में होगा तो पूर्व में बनेगी। मैंने कहा है कि जो परछाई होती है वो हमेशा कहां बनती है, आपके हमेशा सूरज के हमेशा अपोजिट साइड में बनती है। तो अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कि हम किसी की, चलो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा एक बात बताइए, चलिए छोटी सी बात एक पूछ लेते हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति का मुंह कहाँ है, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड कहां पे होगा, तो उसका राइट हैंड होगा इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा। अगर वो व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो बताइए उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि एक व्यक्ति खड़ा है और उसका दायां हाथ, अगर मैंने कर दिया उसका दायां हाथ राइट हैंड ईस्ट की तरफ है, तो बताओ व्यक्ति किस तरफ मुंह करके खड़ा है, बताओ किस तरफ खड़ा है। तो अगर उसका दायां हाथ कहां पे है, ईस्ट की तरफ है, तो आप इमेजिन करिए कि दायां हाथ ईस्ट कब होगा, जब व्यक्ति का मुंह कहां पे होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अगर मैं कह दूं एक व्यक्ति है जिसका जिसका लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ, बताइए व्यक्ति किस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट की तरफ होता है तो व्यक्ति का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको तुरंत अंदाजा लगाना होगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई कठिन बात नहीं है, आप ये ना बता पाए कि अगर उसका मुंह, अगर उसका लेफ्ट हैंड इधर, अगर कह दे मुंह, अगर मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति है उसका मुंह है नॉर्थ की तरफ, क्या कह दें कि एक व्यक्ति है और उसका वो है नॉर्थ की तरफ, तो बताइए उसका राइट हैंड किस दिशा की तरफ होगा, तो कहां पे होगा, ईस्ट पे होगा। बोल ले लेफ्ट हैंड किस दिशा पे होगा, तो वेस्ट पे होगा। अगर मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका दक्षिणी तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, तो आप कहेंगे वेस्ट में होगा। अगर मैं कह दूं लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, तो आप बोलेंगे राइट में होगा। बात समझ में आई, तो अब देखो तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे की तरफ बातें करें, जब एक दूसरे की तरफ बातें करेंगे तो ऐसे मुंह होगा दोनों का, ठीक है होगा। अगर कह रहा है यदि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, मतलब ठीक लेफ्ट हैंड साइड हो, तो कविता का मुंह किस दिशा में। देखो यहां पे एक ट्रिक होती है, आपको क्या करना है, आपको तीन बॉक्स बनाने हैं, समझना मेरी बात, आपको तीन बॉक्स बनाने हैं। इन बॉक्स में भरना क्या है, तो पहले वाले बॉक्स में भरना है पर्सन, क्या भरना है पर्सन। अच्छा पर्सन में आप कह दो रीता भी है सर और रीता है कविता दोनों है, तो इसमें भरा कौन जाएगा, तो इसमें वो आदमी भरा जाता है जिसके लेफ्ट या राइट हैंड की तरफ परछाई बनी होती, ना कि जिसकी बनी होती है। जैसे इसमें कह रहा है कि रीता के ठीक बाईं ओर बनी है, तो यहां पे किसको लिखोगे, इसमें लिखोगे रीता को लिखोगे। बात समझ में आ गई। अब ये लिखोगे कि लेफ्ट हैंड की तरफ बनी है कि राइट हैंड, तो कहां पर बनी है लेफ्ट हैंड, यहां पे क्या लिखोगे लेफ्ट या राइट हैंड जिस तरफ बनी है, इस वाले खाने में क्या करोगे उसको भरोगे।
फिर लास्ट में लिखोगे शैडो, क्या लिखोगे? तो बात कब कर रही थी? सुबह कर रही थी। तो बताओ इसकी शैडो जो रीता की है वो शैडो कहां पे बन रही होगी? तो सुबह बात कर रही होगी तो शैडो बनेगी वेस्ट में, पश्चिम में ही तो बनेगी। जब पश्चिम में बनेगी तो अब मुझे एक बात बताओ, तो उसका फेस किस तरफ होगा? जो भाई जो हाथ ऐसे करके रीता खड़ी होगी तो रीता की जो परछाई बन रही होगी वेस्ट में बन रही होगी। तो अब एक बात बताओ, मैंने कहा था कि अगर किसी का लेफ्ट हैंड परछाई बनेगी तो उसका हैंड भी तो वेस्ट में आएगा। तो अगर किसी का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो उसका चेहरा कहाँ पे होगा? तो लेफ्ट हैंड कहाँ पे है? वेस्ट में है, तो यहीं पे तो वेस्ट में है, तो उसका चेहरा कहाँ होगा? तो चेहरा उसका नॉर्थ की तरफ होगा कि नहीं होगा बताओ? जब उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा, किसका? रीता का चेहरा नॉर्थ की तरफ। मैंने कहा था रीता और कविता दोनों आमने सामने होकर बात कर रही हैं, तो जब रीता का चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा तो कविता का चेहरा कहाँ पे होगा? तो कविता का चेहरा होगा मेरे भाई साउथ पे। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। और मुझे ज्ञात भी यही करना था कि रीता का जो कविता है उसका चेहरा किस तरफ होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बॉक्स बनाना है, पर्सन का नाम लिखना है, उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके राइट या लेफ्ट में क्या हो रही है? परछाई बन रही है। यहाँ पे राइट या लेफ्ट लिखना है कि राइट हैंड में बन रही है, लेफ्ट हैंड में बन रही है। यहाँ पे लिखना है शैडो, अगर मॉर्निंग है तो उसकी परछाई वेस्ट में बनेगी, अगर इवनिंग है तो परछाई उसकी ईस्ट में बनेगी। जब ईस्ट या वेस्ट आ जाएगा तो जो हैंड है उससे यहाँ पे देखेंगे कि जब उसकी परछाई ईस्ट में बनेगी तो उसका लेफ्ट हैंड भी तो ईस्ट में आएगा। तो अब बताओ, तो अगर उसका इस हैंड की शैडो देखी जाती है ना कि रीता की शैडो देखी जाएगी, तो ये जो शैडो है ये वेस्ट में बन रही है। तो वेस्ट में बताओ हैंड अगर व्यक्ति का होगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा, तो उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा। और अगर उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ है तो दोनों आमने सामने होके बातें कर रही हैं, तो जो अपनी जो कविता होगी इसका चेहरा कहाँ पे हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा। ठीक है, बस इसी ये जो हमारा अब जो क्वेश्चन है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, इस वाले इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो आपका ये डायरेक्शन टॉपिक था क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा इसी के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट कह रहे हैं, दो मित्र हैं दीपक और सुमित, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। उस समय दीपक की परछाई, सबसे पहले क्या करो, तीन बॉक्स बना लिए। ठीक है, कह रहा है कि उस समय दीपक की परछाई ठीक उसके बाईं ओर बनती है। तो दीपक की परछाई और दीपक के ही बाईं ओर बनती है, तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे दीपक कहां बनती है? दाईं ओर बनती है, राइट हैंड साइड बनती है। फिर कह रहा है कि सुबह है, तो बताओ राइट हैंड साइड बनेगी सुबह, तो सुबह कहां पे बनेगी? सुबह है तो सीधी सी बात है परछाई क्या बनेगी? वेस्ट में बनेगी, वेस्ट लिख दो यहां पे। अब बताओ राइट हैंड वेस्ट में होगा तो बताइए, यहां पे देखिए ये लेफ्ट ये राइट, अगर व्यक्ति का जिस व्यक्ति का राइट हैंड वेस्ट में होगा उसका चेहरा कहां पे होगा? तो साउथ पे होगा। तो दीपक का चेहरा कहां पे है? साउथ पे है। क्वेश्चन है पूछा क्या गया, किसका चेहरा पूछा गया था? तो कह रहा है तो सुमित का मुंह किस तरफ है? अगर दीपक का है साउथ तो सुमित का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। आपका आंसर आ गया। बड़ा ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, और इस ट्रिक को आजमाइए और अपने मन से क्वेश्चंस लेकर उनको सॉल्व करिए, उनका सलूशन फाइंड करिए। और इसी के साथ हमारा डायरेक्शन टॉपिक खत्म होता है, और अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा वेन डायग्राम, वेन आरेख आएगा। तो अभी के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिए और किसी कोई भी बुक किरण की लगा लीजिए या तर्क शक्ति जो भी आप चाहते हैं लगाना उसको लगाइए, और उसके बाद में हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।